वो एक है वो मौलवी, उसकी शादी हो गई है किसी फिल्मी हीरोइन से, वो कश्मीर जाना कहा पूरी दुनिया में घुमाए फिर रहा वो। यार भाई तुम मर गया, तू मौलवी आदमी है, मौलवी को चाहिए था कि पूरी दुनिया को मतलब इस्लाह करता, तू हीरो बना घूम रहा है। वो बिचारी थी तो उस दुनिया में पहले, तुझसे शादी तो इसलिए की कि मैं नेक वाली दुनिया में आऊंगा, वो कश्मीर के बर्फों में टेढ़े टेढ़े होकर फोटो खिंचा रहा। यार जी मामला यार बात समझ में नहीं आ रही है भाई। अच्छी बात है शादी हो गई तेरी, तो उसके बाद में तू कम से कम इतना तो कर यार, तू उसे तरबियत दे, कुरान सिखा, हदीस सिखा, अच्छी अच्छी बातें सिखा, पर्दे के बारे में बता, फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी बता, रुकैया की जिंदगी बता, अम्मी खदीजा की जिंदगी बता, तू मुफ्ती किस लिए है? जींस पहन के हीरो बना घूम रहा वहां, तो यार बात समझ में नहीं आ रही है, हैं? हो क्या गया लोगों को? अल्लाह अल्लाह, ये सुन्नत है, पार्टियां हो रही हैं, यार बात समझ में नहीं आ रही है यार। मैं तो हैरत यार, वो यूट्यूब पे मैं कभी कभी उसे देखता तो मैं चक्कर में पड़ गया, मैंने कहा यार वो बिचारी आई थी उस दुनिया को छोड़कर, उसने तौबा की थी, ये तो सोचा था कि ये दुनिया अच्छी नहीं, ये दुनिया अच्छी है, और एक मुफ्ती से शादी कर ली। तो कम से कम तू तो मुफ्ती था यार, तुझे तो चाहिए था कि मेरे रसूल की हदीस ये है। यार खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि वो ग्लैमर थी और ये थी एकदम नहीं आ सकती। यार तू मुस्तफा की हदीस तो सुना, मुस्तफा की हदीस के सामने सब नशे उतर जाते हैं, बड़े बड़े अच्छों के नशे उतरते। ये मुस्तफा की हदीसों का ही कमाल था कि ग्लैमर का उसका नशा उतर गया, उसमें उसकी खता नहीं, इस मुफ्ती की खता है। हाँ यार तुम हमारे पास आओ कि ये मुफ्ती गुलफाम जो है भाई हमें मसला बताएंगे, और मैं मसला नहीं बताऊं, मैं तुम्हें फिल्में दिखाऊं, मैं तुम्हें फोटो खिंचवाऊं, मैं तुम्हें खूब जो है मतलब ये जिन से बहराऊं, तो यार ये तो मेरी खता है ना। यार आज भी कौम सुधरने के लिए तैयार है, लेकिन हम तो सुधारने के लिए तैयार हूं, जब हम खुद बिगड़ जाएंगे तो यार हाल क्या होगा? मुझे बताइए लोगो, मैं नहीं समझता कि ग्लैमर का दुनिया या पैसे का नशा, बिल्डिंग का नशा या बॉलीवुड का नशा, हॉलीवुड का नशा, अरे किसी का नशा इतना नहीं होता जितना नशा के मुस्तफा की मोहब्बत का होता है। यार क्या बात कर रहे हो तुम? हजरत हुसैन की शादी हुई थी ना, तो शहजादी थी ईरान की जिससे हुई थी, जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह, कौन थी ईरान की, जरा जोर से बोलो, नाम है शहरबानो। हजरत हुसैन ने फरमाया शहरबानो तुम तो शहजादी थी, वहां तो तुम्हारा डोला चलता था, पालकी जाती थी, तुम्हारे गुलामों के कांधे होते थे, तुम्हारी पालकी होती थी, मखमली लिबास होते थे, मखमली कालीन होती थी, तुम्हारे क्या आन बान शान, क्या तुम्हारी ठाट बात थे, मगर जब से मेरी निकाह में आई कभी तुम्हें फाका मिला है, कभी भूखी भी रही हो, तुम्हें ना वो मैं कपड़े दे पाया, ना जर्क बर्क वाला लिबास दे पाया। शहरबानो शायद मेरे घर में तुम्हें वो अच्छे अच्छे खाने भी ना मिले हो। शहरबानो हो सकता है कि वो ऐश तुम्हें ना मिला हो मदीने में मेरे घर में, जो ऐश तुम्हें वहां मिला हो ईरान की महल में। शहरबानो की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी शहजादे, हाय 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 शहजादे, मेरी असल जिंदगी तो आपसे निकाह करके बनी है।